نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

ये किसने कहा फरिश्तों ने कहा फरिश्ते अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था ना कि नाम सुनाओ तो पिछली हाथ में हमारी डिस्कशन कुछ रह गई थी नाम सारे के सारे मैंने बता दिया था कौन से हो गई थी सारी डिस्कशन ठीक तो सुबह का सुबहाना का मतलब अब आप आपको तस्वीर का मतलब मैंने डिटेल में बता दिया था क्या कह रहे हैं फरिश्ते सुबहाना काफ जबर का क्या है जमीर मुतसिल साथ जुड़ी हुई है जिसका मतलब होता है तू और का यूज किसके लिए होता है मुजक्कर के लिए तो इस तरह पहले जैसे रिपीट हो रही है ना जैसे जैसे आ रहे हैं जमायर वगैरह या मुजक्कर मोहन ऐसे हल्के हल्के आपको याद हो जाए फिर मैं टेबल्स करवाऊंगी अभी टेबल करा दिए ना तो उनको अगर आप आयतों से रिलेट करने लग गए तो वो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है तो पहले थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा फिर हम उसे टेबल्स में ले जाएंगे तो वो भी इजी हो जाता होता है तो पाक है तू यानी अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अल्लाह तू पाक है यानी तू परफेक्ट है या अल्लाह तुझे सारा पता है हमें नहीं पता था ठीक है हमारे अंदर कमी है ये असल में फरिश्ते कह रहे हैं। तो पाक है, हर कमी से हर खामी से हमारे अंदर क्या है हमारे अंदर कमी है ला इल्म नहीं है, कोई इल्म लना हमारे लिए या हमें हमें कोई इल्म नहीं है हमें नहीं पता इल्ला मगर मा जो इल्ला इज न्यू वर्ड इल्ला भी हर्फ होता है उसका मतलब होता है मगर या सिवाय इलावा सारे एक ही वर्ड हैं एक्सेप्ट ठीक है ई वाला ई एक्स सी ई पी टी अब कलमे में भी आता है ना पहले कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे होता है ला इलाहा इल्ला अल्लाह ये होता है ठीक है तो इल्ला वहां पे भी, भी आ रहा है ला नहीं इलाहा कोई इलाह इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह अल्ला के अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है तो वहां से इल्ला हमें याद रहना चाहिए इल्ला मगर माँ जो माँ मौसूला ये अल्लम्ता, अल्लम्ता ना अल्लम्ता ना अल्लम्ता क्या होता है सिखाया तूने हम अच्छा अब मैं इसको जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैं बकायदा वर्ड्स लिख कर उनको सर्कल करके और कनेक्ट करके मीनिंग्स बता रही थी आप लोगों को मैं क्यों नहीं बता रही क्योंकि अब हमारी क्लास आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनल हो चुके हैं और आप सबको इतनी ग्रामर आती है मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ये डिविजन्स वगैरह ये आती है और आप लोगों ने कुछ ना कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है इन केस फिर भी कोई वर्ड नहीं समझ आता तो आप लोग मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ एक्सप्लेन तो मैं साथ साथ कर रही हूँ लेकिन लिख नहीं रही हर हर वर्ड अलग अलग से इस तरह जो कि मुझे पता है ऑलरेडी आपको आता है वो चीज़ बेसिकली तो अलम जबरता वैसे ये क्या था ये है अल्लमा, ओके अलमा अलमा माजी मुजक्कर जो पहला सीगा है स्टेबल का का के वज़न पे अला माजी तो अल्लम, आ, मीम जो जबर है ना वो चला जाएगा जब हमने उसके साथ ताज़बर ता कनेक्ट ता करना है तो माजी के साथ अलमताबर ता, ता जब आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है आ, तू, आ, तूने, ओके तू यू मतलब होता है वाई यू टॉट यू, ये मतलब हो गया तू ने सिखाया अलमता तू ने सिखाया नून का क्या, क्या मतलब होता है हम हमें ठीक है तू ने सिखाया हमें ठीक है अगर होता ये अलम तू ना अगर तू ना तो क्या मतलब बनना था तापेश तू का मतलब क्या होता है मैं मैंने सिखाया हमें वो कोई सेंस नहीं बन रही वैसे बनना होना था अलम का मैंने सिखाया तुम्हें अलम का वैसे ही आपको बता रही हूँ तापे तू का डिफरेंस बता रही ठीक है ना तूने सिखाया हमें तो फरिश्ते क्या कह रहे हैं कि या हमें कोई इल्म नहीं है सिवाय उसके जो कि तू ने हमें सिखाया अब यहाँ पे हमें नज़र क्या आ रहा है यहाँ पे हमें नजर आ रही है फरिश्तों की आजजी ठीक है फरिश्तों की हम्बलनेस होना झुक जाना फौरन अपनी गलती मान लेना अपनी बात को मान लेना अपना सर झुका लेना इस्लाम क्या है इस्लाम इज टू सबमिट योर विल अल्लाह दैट इज इस्लाम यानी अपने आप को अल्लाह के सामने झुका लेना अपनी मर्जी को झुका लेना अपने सर को सर तस्लीमे खम कर लेना ये असल में इस्लाम की डेफिनेशन है समझ आई तो यही अल्लाह से हमारी रिक्वायरमेंट है ये क्या है यही तो फरमाबरदारी है यही तो ओबीडियंस है और यही पता चले कि अल्लाह कौन है और बंदा कौन है फरिश्ते भी तो आप दिए ना जो इबादत करते हैं और हम भी आप दें जो कि इबादत करते हैं तो ये अकड़ना किसी भी हुक्म के आगे अकड़ना तकबर दिखाना हुक्म को ना मानना क्या है उसको छोटा समझना हुक्म को और अपने आप को अपनी मर्जी को बड़ा समझना जबकि अल्लाह तला क्या कहते हैं कि अल्लाह अकबर अल्लाह ही सबसे बड़ा है अल्लाह अकबर किबरियाई किसकी है अल्लाह की है वो हदीस याद है ना आ, आप ने क्या बताया जो हदीस खुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं किबरियाई मेरी चादर है ठीक है जो इसमें से कुछ भी लेने की कोशिश करेगा तो उसको मैं जहन्नुम में डालूंगा यानी किबरियाई जो है ना अल्लाह की ग्रेटनेस बड़ाई आ, किबर वो सिर्फ अल्लाह के लिए है उसमें हमारा वन परसेंट भी हिस्सा नहीं है दिल में एक जर्रे के बराबर भी किबरियाई आना मना है तकबर आना मना है हराम है हमारे ऊपर एरोगेंस, ईगो ठीक है और जो लोग तकबर वाले होंगे दूसरी हदीस क्या है कि तकबर वाले लोगों को अल्लाह ताला के आमद के दिन चूंटियों की सूरत उठाएंगे ये भी हदीस है चूंटियों की सूरत वो उठेंगे ठीक है क्यों क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते थे अकबर समझते थे बड़ा समझते थे तो क्या के दिन वो छोटा सा करके जर्रे की तरह उठेंगे और उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी वैल्यूलेस होंगे किबर होता क्या है अब हम किबर की बात कर रहे हैं या तकबर की बात कर रहे हैं तो तकबर की डेफिनेशन समझ लें और ये बात आपको समझ आ गई कि तकबर हमारे लिए एक नेगेटिव क्वालिटी है नेगेटिव uh, है हम में नहीं होना चाहिए लेकिन अल्लाह के लिए तकबर है अल्लाह के लिए ये पॉजिटिव क्वालिटी है अल्लाह के लिए किबरियाई बड़ाई ये एक पॉजिटिव चीज है ठीक है अल्लाह के लिए ये पॉजिटिव अच्छी क्वालिटी है अल्लाह की हमारे लिए ये है ही नहीं ठीक है किबर होता क्या है इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है दो डेफिनेशन हमें यह हदीस से ही पता चलती हैं कुछ चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ टर्म्स को डिफाइन कर दी तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक सहाबी ने क्या पूछा सोलह सल्म मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है ठीक है अः खूबसूरत दिखना अच्छे कपड़े पहनना अच्छे जूते पहनना पसंद है तो क्या ये तकबुर है तो आप सल्लाह ने फरमाया कि ये तकबर नहीं है अल्लाह जमील है खूबसूरत है और अल्लाह को खूबसूरती पसंद है ये ने जवाब दिया कि अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और अल्लाह को खूबसूरती पसंद है मतलब ये कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें और जितनी चादर है उतना पाँव फैला कर उस हिसाब से हम अच्छे कपड़े पहने अच्छे जूते पहने ये नहीं कि अब हमारे पास अल्लाह ने जेवर दिया हुआ कपड़े जूते दिए हुए तो हम वो पहने भी ना वो सब पहने और खूबसूरत लगे अच्छे लगे बाल बना के रखे और आप बालों के बारे में भी हमें हदीस मिलती है कि बालों को संवार के रखो और कपड़ों जूतों वगैरह के बारे में सफाई वगैरह के बारे में कितनी हदीसें हमें मिलती हैं इवन ये भी हदीस है आप ने बताया कि ये अब अलग से हदीसें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो लंबी वाली हदीस है ये मैं कंप्लीट करती हूँ अभी तो अलग से हदीस कौन सी है ने बताया कि जो इंसान को अल्लाह ने नमत ने दी है उसका इजहार करना चाहिए ये मैं मफ़ूम बता रही हूँ उसके एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है तो हदीस का मफ़ूम क्या है कि जो भी नेमत अल्लाह ने दी है उसका इजहार होना चाहिए वो नज़र आनी चाहिए लेकिन तकबुर के जुमरे में ना आ जाए ऐसे नहीं शो नहीं मारनी तो वो हदीस अब तकबर वाली कंप्लीट कर लेते हैं तो अल्लाह आपसे ने क्या बताया कि अल्लाह खुद खूबसूरत है और अल्लाह को खूबसूरती ही पसंद है तो अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनना ये तकबर नहीं है तकबर क्या है फिर आप उसको डिफाइन किया तकबर है नंबर वन दूसरे को हकीर जानना ठीक है दूसरे इंसान को हकीर जानना मतलब उसको दूसरे को छोटा जानना यानी अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो साथ साथ मैं ये समझूं जी, उसने कितने गंदे कपड़े पहने पहने हैं। या उसके मुकाबले में नहीं आते मुझे आते हैं कपड़े पहनने उसके तो चॉइस ही इतनी बुरी है मेरी चॉइस अच्छी है समझ आ गई जब ये दूसरों को हकीर जानने वाला कॉन्सेप्ट एंटर हो जाता है इसके अंदर अच्छे कपड़े पहनने में या किसी भी चीज में तो तब ये यही बात तकबर बन जाती है वैसे जेवर पहनने में कोई मसला नहीं है लेकिन इस सोच ये सोच कर पहनना कि देखो इसके पास तो है ही नहीं मेरे पास इतना जेवर है मैं पहनूंगी तो ये सोच जब आ जाती है थोड़ा सा देखें डिफरेंस है तो ये सिर्फ सोच का डिफरेंस है इंटेंशन का नियत का डिफरेंस है अलामाल बिन नियत अमल क्या है नियत पे डिपेंड करते हैं अमल इट्स भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हर अमल का रिवॉर्ड उसकी नीयत के हिसाब से मिलेगा अगर नमाज की नीयत दिखावा है तो नमाज का रिवॉर्ड जीरो हो जाएगा ठीक है और अगर नमाज अल्लाह के लिए है तो रिवॉर्ड फुल मिलेगा और मल्टीप्लाई होगा जिससे भी अल्लाह ने मल्टीप्लाई करना हुआ डिपेंड करता है कितना इखलास है नमाज के अंदर इसी तरह तो ये सब नीयत पे डिपेंड करता है इसी तरह हमारे अच्छे मेरा जेवर पहनना क्या है अब मेरी नीयत पे डिपेंडेंट है अगर नीयत ये है कि मैं अल्लाह की नेमत का इजहार करूं अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं शुक्र ये शुक्र में आता है अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल जो है वो शोइंग ग्रैटिट्यूड बींग थैंकफुल टू तो अल्लाह इस कैटेगरी में आ जाता है तो ये शुक्र करना जरूरी है अब अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं तो फिर भी मैं फकीरों की तरह फिरूं ये अल्लाह को पसंद नहीं है आप ने बोला इजहार होना होना चाहिए नेमत का हमें पता है हजरत उस्मान गनी जो थे वो हमेशा अच्छा लिबास पहनते थे क्योंकि उनके पास था जरत अब्दुलरहमान बिन औफ थे वो भी अमीर सहाबी थे वो भी हमेशा अच्छा नजर आते थे परफ्यूम लगाया हुआ होता था लेकिन जिन जो सहाबा फ़क्र में थे थेबत थी तो वो उसी तरह मस्किनी मस, की हालत में नजर आते थे ठीक है अब जो सहाबा गरीब थे उनकी मस्किनी की वजह से जो अमीर थे वो ये नहीं करते थे कि जी हम अपना अब हमारी नेमत नज़र ही ना आए अल्लाह ने उन्हें ने नेमत दी हुई थी तो उसके इजहार तशक् के लिए वो उसे इस्तेमाल करते थे फर्क समझ आ रहा है ना लेकिन दूसरे को ये नहीं एहसास होना चाहिए कि जी वो हकीर है अपनी नेमतों की वजह से और डेफिनेटली दूसरों को देना दूसरों की मदद करना दूसरों का ख्याल करना वो सारे अलग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट भी अल्लाह ने हमें दिया हुआ है लेकिन वापस आते हैं तकबर पे तो इस तकबर के नंबर वन डेफिनेशन आप आपसे ने क्या बताई दूसरों को हकीर जानना ठीक है यानी अपने आप को बड़ा समझना उस वक्त जबकि दूसरों को हकीर जान रहे हैं ये बात हो गई और ने बात मुकम्मल की आगे आपने क्या फरमाया और हक को ये नंबर टू डेफिनेशन है नंबर टू डेफिनेशन क्या है हक को हक को को सच को रिजेक्ट करना ये भी तकबर है ये तकबर कैसे है क्योंकि इसमें भी इंसान क्या कर रहा है हक को रिजेक्ट कर रहा है हक को छोटा समझते हुए हकीर समझते हुए और गलत बात को बातिल बात को या बातिल हुक्म को बड़ा समझते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है इसमें भी ये हकीर वाला हकारत वाला कॉन्सेप्ट आ गया ठीक है हक को वही छुटलाएगा जो उसको अच्छा नहीं समझता या इवन मुंह से कहता हो कि वो अच्छा समझता है लेकिन दिल में अच्छा नहीं समझता फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़नी है लेकिन नमाज पढ़ना हक है ठीक है सच है एक हुक्म है जो अल्लाह ने हमें दिया है लेकिन तकबर वाला शख्स क्या करता है उसको झुठला देता है नहीं पढ़ता वो बड़ा किसको समझता है अपनी नींद को कि मेरी नींद ज्यादा बड़ी है मेरी नींद ज्यादा अहम है और ये अल्लाह का हुक्म इतना अहम नहीं है अल्लाह का हुक्म जब प्रायोरिटी चेंज हो गई ना देखे तरजीह चेंज हो गई है तब अब ये जरूरी नहीं कि वो मुंह से कहे कि जी हक को मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ नमाज क्यों पढ़नी है जरूरी नहीं है अहम नहीं है वगैरह वगैरह उसने अपने अमल के जरिए से बता दिया हर बात जुबान से कहने नहीं जरूरी होती अमल के जरिए से उसने बता दिया कि वो हक को कुछ नहीं समझ रहा वो हक को झुटला रहा है बल्कि नींद उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आराम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमाजें समझ आई तो ये इस तरह हक को झुटलाना ये भी असल में किसके मुतरद है किसके इक्वल है हक को हकीर समझने के और बातिल को बड़ा समझने के कुछ लोग मूवीज देखने के चक्कर में नमाज मिस कर देते हैं इस तरह तो वो गलत चीज को बड़ा समझ रहे होते हैं हक को छोटा हकीर समझ रहे होते हैं अमल के जरिए से वो ये प्रूव कर रहे होते हैं तो ये दो डेफिनेशन तकबर की हमें याद होनी चाहिए क्योंकि तकबर जिसके दिल में राय के बराबर भी तकबुर हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा ठीक है ये भी हदीस है ये तीन हदीसें मैंने आपको तकबर पे बताई चौथी हदीस मैंने डेफिनेशन वाली बताई है तो चार हदीसें मैंने अभी आपको बताई तो राय के बराबर भी तकबर हुआ तो तकबर क्या करना है तकबर को दिल से निकालना है ठीक है हम लोग अक्सर ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं हम बोल देते हैं जिनको हम सोचते नहीं है सो सोचते समझ समझे, समझे बगैर बोल देते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं और कॉन्शियसनेस जो है बींग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह यही तो तकवा है समझ है तो तकवा शुरू में ही हमने पढ़ लिया था दूसरी आयत में इस बकरा की तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा अगर जन्नत में जाना है तो तकवा इख्तियार करना पड़ेगा और तकवा क्या है तकवा वो हुक्म है जो कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है इसी वजह से सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है क्योंकि जब इंसान में तकवा आ जाता है ना वो कॉन्शियस रहता है कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही तो फिर इंसान के सारे जो एक्शन हैं, सारे माल हैं, वो सही होने लग जाते हैं सीधे ठीक होने लग जाते हैं सही है तो ये चीजें जो अब कनेक्ट हो रहे हैं ना सारे कॉन्सेप्ट ये डेफिनेशन स्पेशली ये आपने याद रखनी है सही है आ, तो एक ने क्या किया है तकबर को रिजेक्ट किया तकबर नहीं दिखाया दिखाई झुक गए और झुके भी कैसे फौरन। ये है, एक तो होता है ना किसी की बात मानना थोड़ी देर से मानना वो एक अलग चीज है अल्लाह की रिक्वायरमेंट क्या है तक क्या है कि इंसान फौरन झुके फौरन झुके जो भी अल्लाह का बंदा है जो भी अल्लाह की मखलूक है फौरन अल्लाह के आगे झुक के अल्लाह की बात माने अल्लाह ताला की हाँ में हाँ मिलाए और यही लोग हैं जिनका दर्जा इतना बड़ा होता है ठीक है अंबिया और रसूल क्या है कभी उन्होंने अल्लाह के बात के खिलाफ कुछ कहा नहीं और उसके बाद कौन आते हैं सिद्दीकीन हमने पढ़ा था ना अल-फातिहा में पूरी लिस्ट पढ़ी थी ना अंबिया फिर शुहदा फिर सिद्दीकीन और फिर सालिहीन तो शोहदा कौन होते हैं जो मैंने उस वक्त बताया था जो सच को फौरन सच कहते हैं सच के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं सिद्दीकीन पहले आते हैं सॉरी सॉरी <आँगाँ> अंबिया फिर 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 सिद्दीकीन तो सिद्दीक उससे भी पहले सच को सच कहते हैं और सच को सच मान लेते हैं फौरन तो ये सच को सच मानना क्या है फौरन फर्मा बर्दारी कर लेना सच ये है कि नमाज पढ़ो तो वो फौरन सच को सच मान लेते हैं नमाज पढ़ने लग जाते हैं वो दूसरी क्या क्यों कैसे नहीं करते ठीक है तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है एक तो आजी फिर फर्मा बरदारी और फर्मा बरदारी भी कैसे फौरन ठीक है फिर फौरन अपनी कमी को मान लेना कि हमें कोई इल्म नहीं है तो हमें पता चल रहा है कि जो मखलूक है उसका इल्म हमेशा महदूद रहेगा लिमिटेड रहेगा उसको सारा कुछ पता नहीं हो सकता तो ये जब हमने पहली आयत पढ़ी थी सोतुल बकरा की अलिफ लाम मीम वहां से भी हमने ये डिड्यूस कर लिया था ये कंक्लूड कर लिया था कि हर इल्म इंसान के पास नहीं हो सकता कि वो हर बात ही समझ जाए और हिकमत भी इंसान के पास नहीं हो सकती कि वो हर बात की वजह भी समझ जाए ठीक है तो ये खूबियां किसकी ये लामहदूद इनफिनिट इल्म और नॉलेज विजडम इनफिनिट एंड परफेक्ट नॉलेज विजडम ये किसका है? ये सिर्फ अल्लाह का है तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि मुझे नहीं पता ठीक है मेरे पास इल्म नहीं है ला लेना, मगर जो अल्लाह ने सिखा दिया जो अल्लाह ने दे दिया जो अल्लाह ने बता दिया वही मुझे पता है तो इल्म का भी तकबर होता है सही है इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है इस वजह से रोज ऑलमोस्ट रोज मैं इसकी तिलावत करती हूँ आप लोगों की क्लास से पहले क्यों क्योंकि इससे इंसान में आजजी आती है इल्म का तकबर चला जाता है इल्म का तकबर क्या होता है इंसान ये समझे कि मुझे तो बड़ा ही पता है और इसको तो कुछ पता ही नहीं है इसको तो कुछ आता ही नहीं है और मैं बड़ी चीज हूँ ठीक है ये वाली जो सोच है ना ये सोच इल्म वाले लोगों में आने लग जाती है जिसकी वजह से वो तकबर का शिकार हो जाते हैं तो ये वो सोच है जिसको हमने अपने अंदर नहीं आने देना और याद रखना है कि इल्म क्या है इल्म अंबिया की विरासत है ये हदीस है ना क्या हदीस है इल्म अम्बिया की विरासत है विरासत क्या होती है इनहेरिटेंस जो के ऊपर से नीचे आ रही है ट्रांसफर हो रही है जैसे दौलत ट्रांसफर होती है ना कोई जमीन है विरासत के तौर पे वो ट्रांसफर होती जाएगी अगले को अगले को जाती जाएगी इस्तेमाल होती जाएगी और अगले को जाती जाएगी यही होगा ना तो इल्म यही चीज है इस्तेमाल होता जाता है आगे जाता जाता है इल्म इंसान की अपनी ईजाद नहीं होती ठीक है इल इंसान की अपनी मिलकियत नहीं होती बल्कि विरासत है अंबिया से ट्रांसफर होती जा रही है आगे से आगे मुझे किसने दिया मेरे उस्तादों ने दिया मैं आगे आपको ट्रांसफर कर रही हूँ तो जो चीज मेरी ही नहीं है उस पर क्या तकबर करना ठीक है ये कॉन्सेप्ट है असल में यहाँ पे मेरा इल्म है ही नहीं मेरा कमाल नहीं है ये ठीक है मैंने इसमें कोई कमाल नहीं किया तो फिर ये अल्लाह का कमाल है और में अल्लाह ने क्या बताया था बयान बयान भी मैंने ही तुम्हें सिखाया अल्लाह कह रहे यानी उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बता देना चाहे मैं ओरली और बताऊं वर्बली बताऊं या मैं उसे यान फॉर्म में बताऊं या मैं एक्शन के थ्रू बताऊं इल्म को शेयर करूं जैसे भी कर रही हूँ अल्लाह ताला कह रहे हैं बयान भी तुम्हें मैंने ही सिखाया तो तकबुर की तो कोई बात फिर बनती ही नहीं है समझ आ गई तो इस वजह से ये जब इंसान ये सोच लेता है ना कि ये चीज़ मेरी ही नहीं है तो फिर उस पर तकबर आता ही नहीं है जो ये समझता है ना कि ये चीज मेरी है मैं मैं बड़ा इल्म वाला हूँ मैं बड़े घर वाला हूँ मैं बड़ी गाड़ी वाला हूँ ठीक है तो जिस जो भी चीज हो तो उसके अंदर तकबर आता है तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है फरिश्तों से ये हम सीख रहे हैं इन्ना का अंतल इन्ना का बेशक तू अंतल अंत तू है अंत क्या जमीर जो के मुनफसल डिटेस्ट जमीर प्रोनाउन अल अलीम जानने वाला अलीफलांग के साथ अल-अलीम आ रहे हैं अल्लाह का नाम है अब जो द ऑल नोइंग ठीक है अब आपको पता है कि अल्लाह के जितने भी एट्रीब्यूट आएंगे बहुत सारी आयतों में आएंगे उन सब एट्रीब्यूट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये आपको पता है अब यह मैं रिपीट नहीं करूंगी ये कि अल्लाह अगर नॉलेज वाला है इल्म वाला है तो अल्लाह का इल्म नंबर तो ला महदूद है कोई हद नहीं है उसकी ना कोई बिगनिंग है ना एंडिंग है और इतना परफेक्ट इतना परफेक्ट जितना हमारा हो ही नहीं सकता यानी क्वान्टिटी एंड क्वालिटी दोनों को देखें तो अल्लाह की जो क्वालिटीज है वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है हम समझ भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा तो बेशक अल्लाह क्या है बेशक तू तू ही जानने वाला है तू ही हिकमत वाला है अब ये फरिश्ते क्या कर रहे हैं एंडिंग कहाँ पे कर रहे हैं फरिश्ते अल्लाह की तारीफ पर और अल्लाह के नामों पर अल्लाह के असमालखसना पर अल्लाह के असमाना क्या है अच्छे अच्छे नाम क्या है अल्लाह की तारीफ ही तो है ठीक है अल्लाह के नामों में क्या है नंबर वन मार्फत है अल्लाह की पहचान और मार्फत से ही तारीफ बनता है आई, रा से ही दोनों रूट वर्ड्स है ना तारीफ क्या होती है तारीफ यही होती है किसी को किसी अच्छी बात से जानना तो अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की मार्फत दोनों अल्लाह ताला के नामों में मौजूद है तो फरिश्ते यही कर रहे हैं अल्लाह को पहचान रहे हैं पहचानते तो हैं उस पहचानने को एक्सेप्ट कर रहे हैं मान रहे हैं दोबारा से या आप समझें कि फरिश्तों को पहले से ही पता था लेकिन अपने आप को रिमाइंडर दे रहे हैं वो ये बातें कहनी बार बार जरूरी होती हैं खुद से खुद को बताना या दूसरों के सामने बताना कि अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है बार बार रिपीट करने से क्या होता है अगर मैं बार बार ये बात अपने बच्चों को कह रही हूँ तो मुझे भी याद आ रहा है कि अल्लाह रहम करने वाला है मेरे बच्चों को भी याद आ रहा है हालांकि पता है पहले से ठीक है इल्म है पहले से लेकिन ये रिमाइंडर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और अल्लाह का जिक्र क्या है खुद को बार बार याद कराना अल्लाह का जिक्र है बार बार अल्लाह की याद कराना तो यहाँ पे ये अल्लाह का जिक्र ही हो रहा है अल्लाह कि याद वो फरिश्ते अपने आप को दिला रहे हैं कि अल्लाह अलीम है अल्लाह अल्लाहम है और अल्लाह को भी वो बता रहे हैं यानी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं तो अल्लाह की तारीफ भी की जाएगी ये हमने नमाज में भी पढ़ लिया था नमाज जब हम पढ़ते हैं अल्लाह अकबर में भी अल्लाह की तारीफ ही है कि अल्लाह सबसे बड़ा लेकिन उसके बाद सना पढ़ते हैं हम बकाये सना क्या है सना सना का मतलब ही तारीफ है हम अल्लाह की तारीफ करते हैं फिर आगे अल्लाह से सुरतल फातः में दुआएं मांगना शुरू करते हैं और आगे फिर नमाज एंड करते हैं नमाज का दुआओं पर तो अल्लाह की अल्लाह है ही तारीफ के लायक सारी तारीफें है ही अल्लाह की ठीक है अल्लाह की नहीं तारीफ करेंगे तो किसकी तारीफ करेंगे तारीफ भी एक शुक्र करने का तरीका है इजहार तशक् है इसके अंदर भी जब किसी का शुक्र अदा करना होता है उसका आ, ये भी हदीस का मफहूम है ना मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद लेकिन ये मफोम अलबत् जरूर है और ये सारी सही हदीसी आपको बता रही होती हूँ तो तो तुम्हारे साथ उसको बदले में कुछ दो जब कोई तुम्हें कुछ देता है तो उसको बदले में तुम्हें तुम उसको कुछ दो उसका शुक्र अदा करने के लिए और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उसको उसको अच्छे अल्फाज दे दो ठीक है अल्फाज में उसका शुक्र अदा कर दो तो अल्फाज में कैसे शुक्र अदा करते हैं सिर्फ शुक्रिया बोल के नहीं बल्कि तारीफ करके तारीफ करके असल में इंसान उसको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है दे रहा होता है क्यों रिटर्न करना होता है ताकि हमें फिर अल्लाह अजर दे उसका ठीक है क्यामत के दिन हमें भी अजर मिले जिसने हमारी मदद की है उसको तो रिवॉर्ड मिल गया लेकिन मुझे भी तो कोई रिवॉर्ड मिले ना तो मैं उसका शुक्र अदा करूंगी उसको जजाक कर अल्लान का सीरा बोलूंगी उसकी तारीफ करूंगी तो उससे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे सबसे बड़ा बेनिफिट अल्लाह ताला रिवॉर्ड देंगे समझ आ रही है ना तो ये सारी बातें याद रखने वाली हैं और अल्लाह ताला ने सूरत आराफ में क्या फरमाया कि अल्लाह अल्लाह को अल्ला के अच्छे अच्छे नामों से याद करो ठीक है अल्लाह को पुकारो अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से तो अल्लाह ताला को हमेशा पुकारना है अल्लाह के नामों के जरिए से पुकारना किस लिए होता है अपने कंसर्न अल्लाह के सामने पेश करने के लिए अल्लाह को याद करने के लिए अल्लाह अल्लाह से बात करने के लिए ठीक है अल्लाह से दुआ अल्लाह से मांगने के लिए अल्लाह से जब भी बात करनी है अल्लाह की तारीफ करके करनी है और अल्लाह ताला को पुकारना है अल्लाह के अच्छे नामों के जरिए से तो ये मैं क्यों बता रही हूँ इतना ज्यादा ये हम फरिश्तों से सीख रहे हैं तो यही स्टाइल हमारा भी होना चाहिए हम अल्लाह से एक तो हमें हर वक्त अल्लाह से बातें करनी चाहिए दिल में या जुबान से भी और अल्लाह को याद करना चाहिए और अल्लाह को फिर हम अक्सर या अल्लाह कह के याद करते हैं या अल्लाह जी या जी ऐसे हम कह रहे होते हैं तो अल्लाह के बाकी नामों को भी भूलना नहीं है उनको भी याद रखें या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या खई हो या क्यूम हो इस तरह अल्लाह को डिफरेंट नामों से याद करते रहे तो अंतलिम हकीम तो ये फ़रिश्तों ने हमें यहाँ कुछ सिखाया और जवाब दिया अल्लाह तल्ला तला से कॉन्वर्सेशन चल रही है बातचीत चल रही है कला फरमाया अब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं किससे या आदम ए आदम आदम से बात कर रहे हैं तो ये इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ लेते हैं वैसे हाँ छोटी सी आदित्य लंबी नहीं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं फिर इंशाल्लाह आयत कंप्लीट कर लेंगे आ, लेसन कंप्लीट कर लेंगे हम अपना खाला फरमाया या आदम ए आदम अम सुनाओ बताओ अम क्या है अब पहले अमर ये अम्बी ऊनी की तरह सुनाओ ऊपर क्या था अम्बी ऊनी मुझे सुनाओ यहाँ क्या है अम्बे um, ऊपर uh, क्या था अम्बी ऊ अंबी जो वाव आ रहा है ना बीच में वो प्लूरल की वजह से अगर ये छोटी हटा दें तो क्या बनेगा अम्बी um, ऊना ठीक है थर्टी वन आयत की बात कर रही हूँ अम्बी ऊना तुम सारे के सारे सुनाओ फरिश्ते ज्यादा था ना उन सारे फरिश्तों को कहा जा रहा है और ये सारे फरिश्ते खड़े थे कोई एक भी मिसिंग नहीं था और फरिश्ते कितने ज्यादा ये हम डिस्कस कर चुके पहले अब नीचे देखें अम्बी um, ये सिंगुलर हो गया अम्बे आदमी एक है ना इसलिए होम इन सबको ठीक है ये सारे के सारे वो सारे तो इन सबको बताओ ए आदम इन सबको बताओ बी असमा हिम असमा नाम हिम इनके इन सारी चीजों के नाम इनको बताओ फा का मतलब फिर लम्मा जब फिर जब अम्ब अम उसने अम्बा उसने बता दिए हम उनको ठीक है बता दिए उनको नाम नाम उनके यानी उन चीजों के जो अल्लाह कौन सी चीजें जो अल्लाह ने कुल कुल्ला ने पीछे कह दिया था सारी की सारी जो भी थी जो अल्लाह ने हजरत आदम को सिखा दिए थे सब कुछ सारा कुछ कॉला फरमाया अब अल्लाह हजरत आदम से कहा कि अब आप नाम बताएं तो हजरत आदम ने क्या किया फौरन बात मानी और नाम बता दिए सारे कौला फरमाया अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलम अ आ, आ का क्या मतलब होता है क्या ये पहले हमने पढ़ा हुआ क्या लम नहीं ठीक है क्या नहीं अकुल मैंने कहा था आ से शुरू हो रहा है ना अकुल ये जो फेल हमजा से शुरू होता है अकुल मैंने कहा था अलम अकुल क्या नहीं मैंने कहा था तुम्हारे लिए में तुमको या भी कह सकते हैं। क्या नहीं मैंने कहा था कुम, तुम सब को, कुम की। लका तुम एक को लकुम तुम सब को और ये क्या हो रहा है यहाँ पे फरिश्तों से बात हो रही है फरिश्ते प्लूरल में थे ना वहां पे फरिश्तों से अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं क्या नहीं मैंने तुम सबको कहा था इन्नी बेशक मैं छोटी आ रही है ना आलमो मैं जानता हूँ हमजा से शुरू हो रहा है तो मैं आएगा बीच में आलमो मैं जानता हूँ ग़ैबा ग़ैब असमावाती आसमानों और जमीन का आसमान और ज़मीन का गैब छुपी हुई चीजें जानने वाला कौन है मैं गैब की डिस्कशन में इनशा हम कल अगली क्लास में चले जाएंगे व आलमू और मैं जानता हूँ माँ जो तो बद अ से बद अ इसका वर्ड है तुम जाहिर करते हो तुम सारे के सारे वमा और जो हो तुम से थे मतलब आ जाता है ना जो थे तुम कुम थे तुम तक तुम कतमा से कतमा तुम छुपाते जो थे तुम छुपाते जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते थे वो सारा क्या है मुझे पता है अब कौन क्या छुपा रहा था अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा था और आ, कुछ जाहिर हो रहा है कुछ पता चल रहा है लेकिन अब इसकी डिटेल इंशाल्लाह बाद पढ़ेंगे, में पढ़ेंगे अगली क्लास में वरना तो आधा घंटा अगला मजीद चला जाएगा तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته